ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच जोधपुर में पुलिस और प्रशासन ने शहर के रेस्टोरेंट और ढाबों को बंद कराने की कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस की ओर से शहर में अनाउंसमेंट कराकर रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों से संस्थान बंद करने की अपील की गई है और साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों से लोगों को हटाकर घर भेजा जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस और एडवाइजरीज आए हैं इसको लेकर, कोरोना वायरस से बचने को लेकर, उसके फैलने से लेकर, उस संदर्भ में जिला प्रशासन ने सेल एक बनाया है जिसमें विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। उसी के तहत अभी अवेयरनेस, एक तो प्रोग्राम्स हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के माध्यम से चला रहे हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। इकट्ठा जो 50 से ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने की बात है वो है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है और पर्सनल हाइजीन की बात है। राजस्थान हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती साहब की जो एडवाइजरी कोरोना को लेकर जारी की गई है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज श्री नरसिंह दास जी व्यास डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मेट्रो ने एमरजेंट मीटिंग बुलाई जिसमें बार के प्रेसिडेंट्स और डीसीपी पुलिस अधिकारी प्रशासन के अधिकारीगण को बुलाया गया और आदेशों की पालना करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब व्यास जी खुद मेरे साथ और पूरे प्रशासन के साथ पूरे न्यायालय परिसर का दौरा किया। इधर जालौर के सांचौर में हज यात्रा से लौटे 26 हाजियों को चिकित्सकों